हेलो अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले जो पोस्ट करने लगी हूँ, एंड ये मेरी आई गेस पहली और आखिरी गेम अच्छी हो गई थी, तो किल विल भी निकल आए थे और ये रिकॉर्ड भी हो गई थी, आई वाज लाइक कि ये हम पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इवेंट वाला सिस्टम था, तो फिर हम इवेंट पर उतरते हैं। एंड दूसरा वो स्ट्रीमिंग के साथ मसला ये आ रहा है कि स्ट्रीमिंग पर मेरी वॉइस नहीं आ रही है और मैं अपनी वॉइस करती हूँ तो टीमर थी वॉइस नहीं आती। अच्छा खैर, मैंने बड़े किल निकाले थे हैवी हैवी शायद, अब मुझे याद नहीं, काफ़ी पुराने गेम प्ले, मैंने पहले गेम अच्छी होती थी, अब तो फारिग हो गई है। खैर निकाली होंगी किल यार, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं निकालूँ। देखो ज़रा, एक हमारा बंदा है यहाँ पर, टीम मेट डाउन हो जाता है। अच्छा ये मुझे लगता है एक सेकेंड टीम मेट है, वहाँ पर मेरा ऊपर किल चोरी हो जाता है और ये दूसरी तरफ देख रहा था, मैं इसे मार लेती हूँ। बट नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं वैसे मार सकती हूँ ना, तो ये इसको मेरे टीममेट फिनिश करते हैं। मैं आगे जाती हूँ, उसका दूसरा टीममेट होता है, उसे मैं हेड देकर डाउन कर देती हूँ। बैरल का हेड यार हैवी है, बहुत बैरल ओपी गन है। तो अच्छा हम स्ट्रीम की बात कर रही थी, तो स्ट्रीम पे क्या सिस्टम आ रहा है कि मैं अपना गेम प्ले देख रही हूँ यार। अच्छा सर सॉरी सॉरी, अच्छा वो सिस्टम क्या हुआ था कि ना, मोमेंट चेक कर रहे हैं कितने प्रो वाली है। तो स्ट्रीम में ये सिस्टम हो रहा है कि ना, वॉइस मेरी रिकॉर्ड नहीं हो रही है इसलिए मैं स्ट्रीम कर नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं अपनी वॉइस का माइक्रोफोन ऑन करती हूँ ना, तो उसमें फिर टीममेट्स की वॉइस मुझे नहीं आती, मुझे भी नहीं आती और रिकॉर्ड भी नहीं होती स्ट्रीम पे ना, नहीं आती। और अगर माइक्रोफोन ऑफ़ करती हूँ तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो ये अजीब सिस्टम हो रहा है। अच्छा खैर, इधर हमारा दूसरा टीममेट ऊपर उतरता है, वो चौधरी बन के ना बड़ा हैवी वाला, तो ऊपर ऑलरेडी बंदे उतरे होते हैं एंड वो उसे दोबारा से डाउन कर देते हैं और वो इधर इंतकाल पज़ीर हो जाते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा कट करूँगी, किल विल आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अब 11 मिनट का गेम प्ले, 11 मिनट तो मैं बोल नहीं सकती हूँ और ना आप लोग को 11 मिनट देखेगा। खैर हाँ जी गाइस, मैंने पार्ट कट कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, पीछे से ना ये एक्सीट वाला बंदा आता है, ये मुझे स्पॉट होता है, ऐसे मैं डाउन करती हूँ। देखा ना इस गेम में अच्छी गलत निकल, लेकिन इवेंट वाली जगह पर ही 3 किल निकल आए थे यार, बस नंबर 1 का लॉस हो जाता है, वो नंबर 1 भी ना अपनी तरफ से अकलमंद दिखा रहा होता है। खैर यहाँ पर पीछे बॉट होता है यार, पता है मुझे बंदे स्पॉट होते हैं, बॉट नहीं स्पॉट होता है, आज तक लॉजिक नहीं समझ आई। अब एक्सटेंड वाले भी लगा रही हूँ, चाहे न्यू किधर बॉट है बट किधर है ये नहीं पता चलता। एंड आई गेस मेरी टीममेट, ये बॉट मेरा टीममेट मार देता है। हाँ वो देखो ना, किल मैसेज आ गया है किम का, एन वी फ्यूरी वही फ्यूरी सर सर बिग फैन यार, ये तो हमारे बड़े टिकटॉकर हैं। तो अच्छा खैर, तो हाँ ये मेरा बॉट चोरी कर लेते हैं एज ऑलवेज। खैर यहाँ से मैं कट करूँगी और अगले किल्स पे जाऊँगी जी। अब हमारी यहाँ पर होने वाली बैक टू बैक फाइट्स बहुत इंटेंस। अच्छा उधर से हम भाग रहे, अरे मेरी अम्मा आ गई थी बीच में। अच्छा हम उधर से भाग रहे थे, यहाँ पे बंदे स्पॉट होते हैं, वॉइस ओवर करते हैं ना, बीच में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अकेली होती हूँ, अभी टीममेट्स मेरे दूर होते हैं, लाइक पीछे होते हैं ना, तो इधर मैं एक बंदा इनका राउंड करती हूँ। आई न्यू कि इस फुट स्टेप्स आ गई थी ना कि यहाँ पे एक और बंदा है, तो लकली जब मैं उधर जाती हूँ उस तरफ ही देख रहा होता है, मैं लाइक फ्लैंक ना सही टाइम पर दे देती हूँ, तो इस चक्कर में मैं इन दोनों को डाउन कर देती हूँ। आई गेस स्नाइपर चला रहा था। एंड इसके बाद हमें जहाँ टीममेट बोलते हैं कि पीछे ना, पीछे और बंदे आ गए हैं, एंड वहाँ से वो लोग जो है डाउन होना शुरू हो, हमारे टीम में डाउन होता है आई गेस। हाँ जी होता होता है, एक होता है इसके बाद ना पीछे बंदों से, या लो होते हैं या डाउन होता है, क्योंकि फिर ना वो स्पॉट करता है। अच्छा ये लोग मैंने तो पूछ रही थे बंदे कहाँ पे, ये लोग कहते हैं पीछे 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 यार, लेने पीछे कहाँ, पीछे किसके पीछे। तो यहाँ पर मैं ना, क्योंकि इन लोगों से तो उम्मीद हार चुकी होती हूँ, इन लोगों का स्मार्ट वर्क तो है नहीं, इन लोगों ने कभी करना सीखा नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ मैं खुद ही बंदे ढूंढ लेती हूँ। फिर इतनी देर में मुझे आइडिया हो जाता है कि उस साइड बंदे नहीं हैं, ये पीछे गलत बोल रहे थे, मेरे लिए तो आगे बंदे हैं, और रिकॉल भी ख़त्म हो चुका था इतने टाइम तक, एंड यहाँ पे आगे बंदे होते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं मैं कहीं घन चक्कर हो गई, यहाँ पर जी मैं अटक जाती हूँ। खैर यहाँ पर बड़े मज़े का स्क्वाड वाइब होता है, उधर वो बंदा नेड कर रहा होता है अगली टीम पर, या दो स्क्वाड आपस में लड़ रहे होते हैं, तो इससे मैं डाउन करती हूँ। वो किल तो कन्फर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉल विकॉल बंद हो गया ना, तो अब किल बहुत चोरी होते हैं। यहाँ पे ये लंबो वाले होते हैं, इसको बड़े मज़े के हेड पड़ते हैं, डाउन होते हैं। एक क्लिप मैंने टिकटॉक में भी लगाया था, तो और यहाँ पे मैं देखती हूँ और बंदे हैं, बट अभी इनके बंदे यहाँ पे नहीं होते, ये आ रहे होते हैं। एक बार मैं किल कंफर्म करती हूँ, दूसरा फ्यूरी भाई पीछे से कन्फर्म कर देते हैं, एंड फिर मैं इनकी लूट वूट करने ही लगती हूँ कि पीछे ना फ्यूरी पे दोबारा नंबर 4 जो है हमारे टीममेट, उन पे बंदे आ जाते हैं पीछे। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नंबर 4 तो यहाँ पे, हाँ हाँ नहीं पाते हैं, इनको देखो ना गोलियाँ पड़ रही हैं, तो इन पर यही कहते हैं उस साइड भी बंदे हैं, उस साइड पर भी होते हैं, और इतनी देर में नंबर 3 भी बंदे आ चुके होते हैं, और नंबर 3 ना उन घरों में फाइट ले रहे होते हैं। नंबर 3 कॉल देता है, ये मुझे पता है कि मैं तो मैनेज कर लेंगे, तो आई एम लाइक आप इन बंदों को मारो, और मैं नंबर 3 पे जाती हूँ और वहाँ पर मैं मर जाती हूँ, क्योंकि मेरे आई गेस 9 किल निकलते हैं ना इस मैच में,
तो वो नंबर थ्री को बचाते बचाते मेरी बैंड बच जाती है, बट एक तो बंदा उनका मार देती हूँ। अजी स्पॉइलर दिए जा रही हूँ। खैर इनके पास सिस्टम क्या होता है, इस अभी हमारे यहाँ पे पूरा स्क्वाड मरेगा, क्योंकि ना दो तीन गाड़ियाँ आ गई थी मज़े की बात तो, और हम लोग बिल्कुल ओपन में थे, बहुत हालत किया था और बिल्कुल हम अलग अलग हो गए थे। वहाँ पर फाइट ले रहे थे, मैं कभी यहाँ पे जा रही थी कभी वहाँ पे आ रही थी, मुझे था मैंने किलने का। यहाँ पे ही नॉक होते ना हमारा जो नंबर थ्री टीममेट होता, तो फिर हम लाइक इन्हीं पे चलो, तो इन पे देखो एक गाड़ी आई बगी आई, मैंने कहा मैं लेट के अच्छा स्प्रे चलाता है ना मेरा, तो इधर ही बंदा आया उसे मैंने डाउन किया, उसे मैं डाउन करके कल कन्फर्म करूँगी ना इतनी देर में, तो पीछे से ना पूरा उसका स्क्वाड आ जाएगा। तो मैं ओपन में थी, किल कंफर्म करना बहुत बेवकूफ़ी थी उस टाइम, मुझे कवर में जाना चाहिए था बट ना, खैर किल की लालच मरवा दी। खैर तो इधर मैं डाउन हो जाती हूँ और इधर मैं फुल हो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से ना दूसरी भी गाड़ी आ जाती है, तो मैं उस गाड़ी से बच रही होती हूँ। यहाँ से मैं बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।